चाट हो या पकोड़े, बिना इमली चटनी के कोई टेस्ट ही नहीं आता। तो आज हम बनाएंगे खजूर इमली की चटनी, जो खट्टी मीठी और साथ में बहुत ही चटपटी बनेगी। तो यहाँ मैंने जितनी इमली ली है उससे कम यानी कि हाफ मैंने खजूर लिया है। इन दोनों को मैंने गर्म पानी में उबाल लिया था और इसके बीज को निकाल लिया है। तो अब हम इसे एक मिक्सचर जार में ले लेंगे ताकि हम इसकी अच्छे से एक पेस्ट बना सके। ज़रूरियात के अनुसार हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें डालने से इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा पेस्ट है वो बन चुका है। तो इसे हम एक छन्नी से छान लेंगे ताकि इसका जो वेस्ट पार्ट है वो इसमें निकल जाए। फिर से हम एक मिक्सचर जार ले लेंगे, उसमें हरी मिर्च, लहसुन की कलियां, अदरक और करी लीव्स डालकर उसकी एक पेस्ट बना लेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस इन सभी को हमें अच्छे से क्रश करना है। तो बस अब हम गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे, धीमी आंच पर उसे रखना है। बाद में एक चम्मच जितना हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, जीरा उसमें डालकर उसको अच्छे से भून लेंगे और जो हमने पेस्ट बनाई थी वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। और हमें इसे भूनना है, तब तक भूनना है कि जब तक इसका एक कच्चापन इसमें से निकल जाए। और जब आपको लगे कि इसमें से लहसुन अदरक की जो कच्चापन है वो निकल गया है, तो बस आपको इसमें जो हमने इमली का पल्प तैयार किया था वह इसमें डालना है। खजूर इमली की चटनी सबके घर में बनती है, लेकिन सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है। मैंने यहाँ जो लहसुन अदरक और मिर्च और करी लीव्स की जो पेस्ट डाली है, इसका एक अलग सा फ्लेवर इसमें उभर कर आता है और ये काफ़ी टेस्टी भी बनता है। ये खट्टी मीठी साथ में थोड़ी सी चटपटी बनती है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 2 चम्मच भर के रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और हम थोड़ा सा इसमें गुड़ भी डालेंगे। गुड़ का भी एक मज़ेदार अलग सा इसमें एक टेस्ट आता है, तो इसलिए हम इसमें गुड़ भी डालेंगे। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से उबाल लेंगे ताकि ये एक दूसरे में अच्छे से घुल जाए। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो बस आप इसे कांच की जार में भर दीजिए और इसे फ्रिज में रख दीजिए। ये 1 वीक तक खराब नहीं होती। इसे अच्छे से उबालने से ये काफ़ी अच्छे से थिक बन जाएगी। और बस इसे जब चाहे इंजॉय कीजिए, चाट हो या पकोड़े हो।